दोस्तों, आपने बहुत महान शख्सियत के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम इस वीडियो में एक ऐसे शख्सियत के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने नेत्रहीनों के जीवन में प्रकाश भर दिया है। जी हाँ, आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हस्ती खेलती दुनिया को देखते देखते किस प्रकार से महज 8 साल की उम्र में अपने दोनों आंखों की रोशनी जिन्होंने गंवा दी। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं लुई ब्रेल के बारे में। लुई ब्रेल फ्रांस के एक ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ, जो हस्ती खेलती दुनिया को जी रहे थे और उनके जो पिता थे वो घोड़ों की काठी बनाया करते थे। एक दिन की बात है, लुई ब्रेल अपने पिता के उन औजारों से खेल रहे थे। बचपना सो बचपना होता है, खेलते खेलते वो जो हथियार था एक उनकी आंखों में जा लगा, जिसकी वजह से घाव काफी गहरा हो गया। उनके पिता ने इलाज करवाया, इलाज चलता रहा, लेकिन उनके आंखों का दर्द कम नहीं हुआ। और जब इलाज में लापरवाही हुई तो धीरे धीरे संक्रमण फैलता गया और 8 साल में उनके आंखों की रोशनी चली गई। एक आंख में संक्रमण हो गया था, वो संक्रमण इतना फैला कि वो दूसरी आंखों तक जा पहुंचा और इस वजह से दोनों आंखें उनकी प्रकाशहीन हो गई, नेत्रहीन हो गए लुई ब्रेल। उन्हें इस बात की घोर निराशा हुई कि अब मैं रंग बिरंगी दुनिया को देख नहीं सकता। आप खुद सोचिए कि एक व्यक्ति जो पूरी दुनिया को देख सकता है, पूरी दुनिया का आनंद ले सकता है, उसकी रोशनी अगर चली जाए तो कैसा महसूस करेगा? शायद वह आत्महत्या कर लेगा। लेकिन लुई ब्रेल हिम्मती इंसान थे, उन्होंने आगे जिंदगी का सफर जारी रखा और उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने सोचा कि जब नेत्रहीन लोग जिंदगी जी लेते हैं तो मैं भी जी सकता हूं, लेकिन मैं उन नेत्रहीनों के जीवन को अनुभव कर सकता हूं कि वो कैसे जीवन जीते होंगे, वो किस प्रकार से अपने जीवन को पूरा करते हैं। क्यों ना ऐसे व्यक्तित्व जो नेत्रहीन है उनके जीवन में प्रकाश डाला जाए ज्ञान के माध्यम से। और उसके बाद लुई ब्रेल ने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया, एक ऐसी लिपि जिन्हें नेत्रहीन आसानी से लिखने या पढ़ने के काम में प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसे व्यक्तित्व का जन्म आज 4 जनवरी 1643 में हुआ था और भारत के लोग उनका जन्मदिवस बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। भारत सरकार ने उनके सम्मान में उनके जन्मदिवस पर 2 रुपए का डाक टिकट भी जारी किया था। सोचिए कि एक नेत्रहीन व्यक्ति क्या कर सकता है, अगर सोचा जाए तो कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन लुई ब्रेल की वजह से वो पढ़ सकता है, लिख सकता है, समझ सकता है, सब कुछ कर सकता है। दोस्तों, लुई ब्रेल एक ऐसे महान शख्सियत के बारे में हमने आपको बताया। बातें पसंद आई हो तो लुई ब्रेल जैसे महान शख्सियत के लिए एक लाइक, कमेंट और शेयर। मैं हूं आपका दोस्त संजय गुप्ता सतना और आप अपने विचार इस वीडियो के कमेंट में जरूर साझा करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।